भिवंडी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। फायर ब्रिगेड की टीम करौली ब्रिज पर आ रही है, अब यहां से तलाश जारी होगी। है रास्ता, ये जो बच्ची गुम हुई है कल दोपहर की 3 बजे से, उसकी तलाश जारी है, तो उसके क्या हासिल हुआ, मतलब कि अभी तक मेरी इतनी पाई बच्ची है। कल बहुत बारिश था, वो करीब 3:30 बजे से वो बच्ची जो गुम हो गई, वो जो गिर गई नाले में, उसमें बाढ़ बहुत आया था, वो पूरा वो कल भी चेक किया। आज सवेरे 8 बजे से हम लोग वहाँ से आजमी नगर से जिधर से वो बच्ची गिरी थी वहाँ से हम लोग चेक करके हंडी कंपाउंड वहाँ से करौली गांव करौली तक वो पूरा नाला पूरा छान मारा, कोई बच्ची नहीं मिली। अभी यह करौली तक यहाँ एंड होता है वो नाला, वहाँ से शेल्टर हाउस जाएंगे, वहाँ उधर उधर भी वैसा ही चेक करेंगे। तो बच्ची को ढूंढने में क्या दिक्कत आ रही है, नाले में कैसा नहीं नहीं सवाल उठाए जो नाला है उधर जाने, कई कई जगह ऐसी है जो उधर जाने के लिए भी रास्ता नहीं है, फिर भी हम लोग पूरा ये दीवार पे लटक लटक के उधर नाला चेक कर रहे थे, उधर पूरा नाले में जाने के लिए रास्ता है किधर है, तो वैसा उधर चेक करते हैं वापस ये साइड से वो साइड, दोनों साइड चेक करेंगे। चेक किया वो उधर, अभी ये करौली तक आए ऐसे ही, अभी वो सेलेटर वो साइड में सेलेटर हाउस के उधर जाके चेक कर रहे हैं। सर इधर रास्ता है रास्ता, इधर देखो। फायर ब्रिगेड की टीम बच्ची की तलाश कर रही है बड़ी मुश्किलों से, मगर इतनी झंकारियों की वजह से आगे जाने का रास्ता कहीं है नहीं, फिर भी बच्ची की तलाश कर रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ चलो अब आगे चल के देखते हैं। फायर ब्रिगेड की टीम बच्ची की तलाश जारी है, 5 साल की बच्ची, छोटी बच्ची, आप देख सकते हैं वीडियो में। झंकाड़ियों में भी फंसी हो सकती है बच्ची, हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बच्ची को।